तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर प्रूफिंग की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके परमानेंट सॉल्यूशन क्या हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के घरों में उनकी वॉल्स पे सीपेज है, उनके रूप से पानी टपक रहा है या बालकनी में प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो चीजें हो जाती है जब आपके स्ट्रक्चर के थ्रू पानी आने लगता है, तो ऐसे में क्या होता है ये आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए एक तरीके का कैंसर है। होता क्या है कि पानी जो है वो डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट करता है रेनफोर्समेंट स्टील से, रेनफोर्समेंट स्टील में जंग लगता है, तो ऐसे क्या होता है आपकी जो स्ट्रक्चर की जो लाइफ होती है, जो इन जनरल केस में जो एक नॉर्मल केस में घर बनते हैं उनकी लाइफ होती है 60 से 70 साल। अगर ये पानी की प्रॉब्लम्स अगर आपके घर में या किसी भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में शुरू हो जाती हैं, तो उस घर की लाइफ 20-25 साल भी सही से नहीं चलती है, क्योंकि रेनफोर्समेंट स्टील उसका खत्म हो चुका होता है। तो अब ऐसे में सवाल आता है कि इन चीजों को ठीक कैसे किया जाए। और जितने भी सारे लोग हैं वो मार्केट में रिसर्च करते हैं, नेट पे देखते हैं, तो उनको बहुत सारे ब्रांड्स, अलग अलग टाइप के केमिकल्स, किसी को एप्लीकेशन करना है, किसी को सीमेंट में मिलाना है, किसी को कॉन्क्रीट में मिलाना है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट को जो आसानी से हमारी समझ में भी आ जाए और हम उस अप्लाई करें उसके सॉल्यूशन में, तो वो हमें 100% वन स्टॉप एक रिजल्ट दे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब हम भी अपने हमारे प्रोजेक्ट्स में जब परेशान हो जाते हैं तो हमारे पास फिर एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो होती है हमारी लिक्विड रबर। और यही प्रोडक्ट मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा। मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, सबसे पहली चीज कि जितने भी आपके ये केमिकल्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं तो उनकी इलोंगेशन जो सस्ता प्रोडक्ट होगा 150 से 200% तक होगी, थोड़ा और आप अच्छे ग्रेड में जाएंगे तो 450 से लेकर 550%। इलोंगेशन का मीन हो गया कि जब कभी आपके जो टेम्परेचर वगैरह में चेंजेस होते हैं तो बिल्डिंग होती है या कॉन्क्रीट होती है थोड़ा सा एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जिससे कि जो वाटर प्रूफिंग की जो लेयर आपने बिछाई है वो फटे ना, तो वो इलोंगेशन का परसेंटेज है। अब जो ये लिक्विड रबर है, जो प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, इसकी इलोंगेशन होती है 1100 से 1200%, और इसको जल्दी से पेनिट्रेट भी नहीं किया जा सकता, यानी कि ये फटती नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लिक्विड रबर जो मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये बेसिकली एक DIY प्रोडक्ट है। DIY का मीन हो गया डू इट योर सेल्फ, किसी भी स्पेशलाइज कॉन्ट्रेक्टर की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और जो भी वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपके यहाँ उसका 100% सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आईएएस अफसर नहीं बन सके, आईआईटी नहीं जा सके, आईएम नहीं जा सके, जिंदगी में कुछ बड़ा काम 1 करोड़ की तनख्वाह। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो मटेरियल है एलिफेंट सील्ड लिक्विड रबर, ये किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तो ये बेसिकली इसका एक सैंपल है जिसको मैं भी आपको दिखाऊंगा इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगी। इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी इलोंगेशन, इसका स्ट्रेच और कितना ज़्यादा एडेशन है इसमें। तो इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये देखिए कि इसमें ये इसकी इलोंगेशन है। दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो इसको मैं कितना भी स्ट्रेच करता हूँ तो ये आसानी से फट नहीं रही है। और जब इस मटेरियल को आप वाटर प्रूफिंग एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो ये आपको सेम परफॉर्मेंस 25 से 30 साल तक देगी, क्योंकि इसका डिटोरेशन 1% भी नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपको कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें होगी आपके 2 नायलॉन के ब्रश, 1 लोहे का वायर ब्रश और 1 झाड़ू। क्योंकि वाटर प्रूफिंग का सबसे पहला रूल होता है कि जहाँ पर भी आप ये एप्लीकेशन करोगे तो वो सरफेस प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए सीमेंट की स्लरी है या कोई काई वगैरह लगी हुई है आपकी रूफ में, तो उसको प्रॉपर क्लीन कर लेना है और झाड़ू से उसको बिल्कुल फ्री कर लेना है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये चीज़ें प्रॉपर क्लीन नहीं होंगी
तो उससे क्या होगा कि इसका जो एडहेशन है वो प्रॉपर सरफेस के साथ नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद में हमारा अगला स्टेप होगा स्लैब का या फिर रूफ का एग्जामाइन करना। अगर उसमें कहीं क्रैक्स वगैरह हैं तो उनको पहले हमें सील करना पड़ेगा। फ्लोर एंड वॉल के जॉइंट्स हैं उनको भी प्रॉपर हमें सील करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ इसको लगाना कितना आसान है जस्ट एज एन पेंट। तो सबसे पहले हम उन क्रैक्स को फिलअप कर रहे हैं जिसमें हमें जियो टेक्सटाइल फैब्रिक भी यूज होगी। तो इसको लगाने का तरीका देखिए बिल्कुल सिंपल से जस्ट एज इट इज केमिकल को आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है जैसे हम लोग पेंट करते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा जब आपका ये एक लेयर या जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट 1 मीटर की हो जाएगी तो ये कपड़ा जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग जियो टेक्सटाइल फैब्रिक बोलते हैं। ये इसी के साथ में आता है यानी कि इस मटेरियल के साथ में। तो क्रैक्स को सेंटर में लेके इसको प्रॉपरली इसके साथ एडहेशन करना है और इसमें बबल वगैरह नहीं होने चाहिए। इस कपड़े को थोड़ा दबा कर लगाना है जिससे कि ये प्रॉपर उसमें एडहेशन के थ्रू चपक जाए। और उसके बाद में फिर हमें करना होता है इसका सेकेंड कोट। पहले हम कपड़े को अच्छे से मेक श्योर कर लेंगे कि वो प्रॉपर हमारी फर्स्ट लेयर यानी कि फर्स्ट कोट में अच्छे से लग गया है। इसके बाद हमें क्या करना हो इसके जो सेकंड लेयर है यानी कि जो सेकंड कोट है वो इसी कपड़े के ऊपर हमें मारना शुरू कर देना है। उससे क्या होगा कि जो क्रैक से पानी जाने के जो चांसेस होते हैं तो वो प्रॉपर आपके पैक हो जाएंगे, सील हो जाएंगे। अब इसको लगाने का तरीका आप देख रहे हैं कितना आसान है। आप खुद से भी चाहो तो ये काम आप आसानी से घर में कर सकते हो और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपने देख ली है क्योंकि ऐसे केसेस को ये 100% वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन में रिजल्ट देता है। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि वॉल और फ्लोर के जो जॉइंट्स होते हैं उनको प्रॉपर कैसे सील करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें भी हमारी सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट आएगी कि वॉल के सरफेस को और रूफ के सरफेस को प्रॉपर क्लीन कर लेना है, डस्ट फ्री कर लेना है। देन आपको ये जो मटेरियल है हमारा लिक्विड रबर इसको ब्रश के थ्रू आपको डायरेक्ट अप्लाई करना शुरू कर देना है जिसमें आपको 2 से 2.5 इंच वॉल की सरफेस पे और 2 से 2.5 इंच रूफ की सरफेस पे क्लियर करना है। अब जैसे ही जो लेंथ होती है आपकी 1 से 1.5 मीटर होती है जिस टाइम पर इसका एडहेशन बहुत ज़्यादा होता है तो आपको जियो टेक्सटाइल फैब्रिक को इसमें अप्लाई करना है जो कि आपके सेंटर वाले पार्ट से वॉल के सरफेस पे आधा जाए और आधा रूफ के सरफेस पे जाए। और मेक श्योर कर लेना है कि उसको जो प्रॉपर जो एडहेशन है वो कपड़ा अच्छे से चिपक जाना चाहिए। देन उसके बाद में जॉइंट को सील करने के लिए आपको सेकेंड कोट को भी अप्लाई करना शुरू कर देना है। और यहाँ पर ये बहुत ही आसान और एक सिंपल प्रोसेस है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ आपको श्योर करनी है कि जो आप फैब्रिक यूज कर रही हैं वो बेसिकली एक टाइप से टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो आपके क्रैक्स वगैरह को फटने से वो बचा रहा है। तो उसको प्रॉपर दबा के लगाना है, अच्छे से लगाना है और उसको प्रॉपर सील पैक करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब जो ये आपके 2 पॉइंट्स थे स्लैब में क्रैक्स और वॉल और फ्लोर के जो जंक्शन वाले पार्ट, अगर हमने इनको प्रॉपर सील कर लिया देन हमारी बात आती है रूफ के सरफेस की। तो इस पर भी हमारा एप्लीकेशन करना बड़ा ही आसान है। बस आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है वो आपका जो सरफेस है वो प्रॉपर ड्राई होना चाहिए एंड डस्ट फ्री होना चाहिए जिससे क्या होगा कि इसको जो एप्लीकेशन वो है वो आपका जस्ट एज इन पेंट की तरह है। और ये मटेरियल इतना पावरफुल है अगर आप इसका सिंगल कोट भी करोगे तो इसके जो एक विस्कोसिटी है आपके क्रैक्स में वॉइड्स में या जो आपकी पोरोसिटी वगैरह होती है अगर तो उनमें ये प्रॉपर जाके सेट हो जाता है, फिल हो जाता है। और इसको लगाना बड़ा ही आसान है। अब जैसे कि मैं एक पैच करके दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे एप्लीकेशन करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि इसका कलर ब्लैक है। देखिए ये इसकी जो स्टिकीनेस है या एडहेशन वो इतना ज़्यादा है अगर आप चाहो तो 48 घंटे के बाद जब ये आपका जो लिक्विड रबर है जब आपका सेट हो जाता है सूख जाता है तो आप कोई भी एक वाटर बेस्ड पेंट ले लीजिए वाइट कलर का जो भी लाइट कलर है उनको आप डायरेक्टली उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वो पेंट इसके साथ ही एडहेशन के पार्ट के थ्रू एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा क्योंकि ये पेंट को भी अच्छे से पकड़ लेता है। दूसरा अगर आप चाहो तो वाइट सीमेंट के छोटे छोटे हीप्स जगह पर बनाइए अपने रूफ पर और बाद में उनको झाड़ू से पूरी छत में स्प्रेड कर दीजिए जिससे कि वो सीमेंट के पार्टिकल्स होंगे वो भी इसको आसानी से उसको पकड़ लेगा। आप ग्रे सीमेंट ले सकते हो, सीमेंट का प्लास्टर कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कुछ हमारे सिंपल से स्टेप्स हैं और इस आसान तरीके से आप किसी भी वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन